शिव मूर्ति के सामने जो सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करता है, पूजन करता है और दालित्र दहन शिव स्त्रोतम का पाठ करता है, उसको घर में दुख दालित्र का नाश होता है और सुख संपत्ति यश वैभव कीर्ति से भरा रहता है। जिसको भी यह दालित्र दहनाए शिव स्त्रोतम नहीं पढ़ना आता सो सुन करके भी पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। इसे सुनने मात्र से दुखों का अंत होता है और सुख संपत्ति यश वैभव कीर्ति से विभूषित होता है। विश्वेश्वराय नर कारण अवतारणाय करणामताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दालित्र दुख दहनाय नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनी से कलाधराय कालांतकाय भुज गधिप कंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दालित्र दुख दहनाय नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुर नृत्यकाय दालित्र दुख दहनाय नमः शिवाय। चर्मांबराय सौ भस्म बिलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दालित्र दुख दहनाय नमः शिवाय। पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दालित्र दुख दहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभ लक्षण लक्षिताय दालित्र दुख दहनाय नमः शिवाय। राम प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय नाग प्रियाय नर कारण अवतारणाय करणाम पुष्येषु पुष भरत पुष्येषु पुष्य भरिताय सुरारिचिताय दालित्र दुख दायनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीत प्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चर्म वशनाय महेश्वराय दालित्र दुख दायनाय नमः शिवाय। वशिष्ठेन कृत स्तोतम सर्व रोग निवारणम सर्व संपत् करम शीघ्रम पुत्र पौत्राधि वर्धनम त्रिसंधम या पठे नित्यम साहि स्वर्ग मवाप्नियात। इस स्त्रोत का जो भी पाठ करता है या सुनता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है और उसके रोग कष्ट सारे दुख दूर होकर के धन धान से घर भर जाता है। बोलो भोलेनाथ की जय।